हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और एटली कुमार की अपकमिंग मूवी जवान को लेकर। फ्रेंड, आपने नोट किया होगा कि लास्ट फ्यू मंथ से जवान के साथ कैमियो बहुत रिलेट किए जा रहे हैं कि यार वो बंदा कैमियो कर रहा है, वो कैमियो कर रहा है। तो इस वीडियो में आपको अपडेट्स बताने लगा हूं कि रियल में कौन कैमियो कर रहा है। फ्रेंड्स, जवान के साथ जो सबसे पहले नाम जुड़ा था वो था अल्लू अर्जुन का, कि अल्लू अर्जुन कैमियो करने लगा है। पर वो फुल ट्राई थी अल्लू अर्जुन की, बस वो मेकर्स की तरफ से उसे परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो खुद पुष्पा की डेट्स में बिजी है। उसके बाद नाम आया रामचरण का, कि रामचरण साहब कैमियो करने लगे हैं, वो भी बात नहीं बनी। फिर बात आई संजय दत्त की, संजय दत्त वाला कैमियो 100% गारंटीड है, उन्होंने शूटिंग अपनी कर भी ली है। संजय दत्त आपको कैमियो करते जवान मूवी में दिखाई देंगे। उसके बाद जो एक सबसे पहले नाम आ रहा है कैमियो का, वो आ रहा है थलापति विजय का। तो मैं आपको बताता चलूं कि वो कैमियो नहीं करने वाले, वो उनके सिर्फ रूमर्स हैं। सिर्फ संजय दत्त का कैमियो है जवान मूवी में और उनके अलावा दीपिका पादुकोण की एक सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है जवान मूवी में। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर विजय थलापति का भी होता इसमें कैमियो जवान मूवी में, तो अभी तक बड़े से बड़े ट्रेड एनालिस्ट और एक्सपर्ट को पता होता इस बात का, पर कोई भी देखे न्यूज़ नहीं शेयर कर रहा, यानी उन्हें नहीं पता। तो मेरा ख्याल से विजय थलापति का कैमियो जवान मूवी में नहीं है। हाँ, उनकी सेट से एक दो पिक्चर ज़रूर आई थी, पर हो सकता है एटली कुमार और विजय थलापति इतनी फिल्म साथ कर चुके हैं, एज अ फ्रेंड वो उन्होंने विजिट किया हो जवान के सेट पे, वहाँ से वो पिक आ गई हो, पर कैमियो के अभी तक कोई अपडेट्स नहीं। ऐसे में चलते आप कितने एक्साइटेड हैं जवान मूवी के लिए, काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।